हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अनदर इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर इकोनॉमिक्स 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टूडेंट, चलिए देखते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द लॉ ऑफ डिमांड विच शोज द इनवर्स रिलेशनशिप between quantity demanded and price of a commodity. The law of demand does not explain the extent of change in demand due to change in the price. Thus, law of demand fails to explain the quantity relationship between price and quantity demanded. Therefore, Professor Alfred Marshall explained the concept of elasticity of demand. Okay student, चलिए इसे समझते हैं। Introduction क्या कहना चाहता है हमसे? लिखा हुआ प्रीवियस चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड क्या है, ठीक है ना। ओके, जो कि रिलेशनशिप तो बताता है, कौन सी रिलेशनशिप, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप बताता है, ठीक है ना। अगर प्राइस ज़्यादा है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी, और अगर प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी, करेक्ट। द लॉ डज नॉट एक्सप्लेन द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, बट वो जो चेंज हो रहा है वो कितना चेंज हो रहा है वो लॉ हमें नहीं बता पा रहा, ठीक है ना। तो प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड ज़्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस के चेंज होने की वजह से क्या डिमांड कम चेंज हो रहा है, ठीक है। जो डिग्री है स्टूडेंट, कितना चेंज हो रहा है वो लॉ ऑफ डिमांड हमें बता नहीं पाता है, ठीक है। थस लॉ ऑफ डिमांड फेल टू एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज हो रहा है लॉ ऑफ डिमांड वो बता रहा है, बट कितना चेंज हो रहा है वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे पाता है लॉ ऑफ डिमांड। देयरफॉर प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट, प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कॉन्सेप्ट की मदद से एक्सप्लेन करेंगे कि प्राइस की वजह से डिमांड पर कितना इम्पैक्ट गिरता है, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ चेंज या डिग्री ऑफ इम्पैक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड ये इस चैप्टर में हम सीखेंगे। ओके, तो इलास्टिसिटी का मतलब यही है स्टूडेंट, कितना चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ज़्यादा चेंज हो रहा है कि कम चेंज हो रहा है वो हमें इस चैप्टर क्या बोलते हैं, प्राइस के चेंज होने से डिमांड ज़्यादा चेंज हो रहा है कि कम चेंज हो रहा है वो हमें इस चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है चलिए समझते हैं। द टर्म इलास्टिसिटी इंडिकेट्स responsiveness of one variable to a change in another variable. Elasticity of demand refers to the degree of responsiveness of quantitative demand to a change in its price or any other factor. Okay student, let's see ये जो lines है वो हमें क्या कहना चाहती है। The term elasticity indicate, elasticity जो है ये क्या indicate करता है, responsiveness. Responsiveness मतलब क्या, अपना action, बराबर। Responsiveness मतलब action, ठीक है। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू अ चेंज इन अनदर वेरिएबल। ओके, अगर प्राइस चेंज होता है स्टूडेंट तो उसका रिस्पॉन्सिवनेस हमारे डिमांड पे कैसा होगा, ठीक है ना। प्राइस के चेंज होने का इम्पैक्ट डिमांड पे कैसा होगा, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, ज़्यादा चेंज होगा डिमांड, कम चेंज होगा। तो टर्म इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है स्टूडेंट, इलास्टिसिटी हमें बताता है ये जो रिस्पॉन्स है प्राइस के चेंज का वो कैसा होगा। एक वेरिएबल के चेंज होने पे उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा दूसरे वेरिएबल पे गिरता है और कितना गिरता है वो। ओके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ टू चेंज इन इट्स प्राइस और एनी अदर फैक्टर, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कितना चेंज हुआ वो बताता है, किसके रिस्पॉन्स में, चेंज इन प्राइस और एनी अदर फैक्टर। प्राइस के चेंज होने की वजह से या कोई भी फैक्टर्स, ठीक है ना, अदर देन प्राइस, उसके चेंजेस होने की वजह से डिमांड पे कितना असर गिरता है ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करता है स्टूडेंट। ओके, चलिए फर्दर मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिपेंड विच राइजेज मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन प्राइस and quantity demanded fall much or little for a given rise in price. चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट दो लाइन को हम समझते हैं। प्रोफेसर मार्शल के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट और स्मॉल। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है स्टूडेंट
क्या हो सकता है, वो ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइज इज मच और लिटिल फॉर अ फॉल इन प्राइस। तो प्राइस के फॉल होने की वजह से डिमांड क्या होगा स्टूडेंट, डिमांड राइज होगा, ठीक है। और डिमांड कितना राइज होगा, वो डिमांड ज़्यादा राइज हो सकता है ओके, या वो डिमांड कम राइज हो सकता है ओके। तो इलास्टिसिटी ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा कब होगी, जब प्राइस के चेंज होने पे डिमांड ज़्यादा चेंज होगा ओके। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होगा कब, जब प्राइस के चेंज होने पे डिमांड थोड़ा सा चेंज होगा ओके। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेट, वो ग्रेट होगा ठीक है, या फिर वो कम होगा। इट टोटली डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ डिमांड, डिमांड कितना हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ओके। तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेट होगा ठीक है, और डिमांड कम बढ़ेगा तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्मॉल होगा ओके। चलिए आगे मूव करते हैं अभी ओके। आगे भी वही लिखा, फॉल, अगर प्राइस फॉल होगा तो डिमांड बढ़ेगा ओके। चलिए इट इज क्लियर फ्रॉम द अबो डेफिनेशन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म विच डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू फॉल और राइज इन द इन प्राइस। इन अदर वर्ड, इट इज द रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। तो स्टूडेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जब हमें मेजर करना होता है स्टूडेंट, तो वी कैन इजिली मेजर इट विद द हेल्प ऑफ रेशोज और रेशो ऑफ परसेंटेज, ठीक है ना। तो जो क्या बोले चेंज है उसका हम रेशोज निकाल सकते हैं, वो रेशोज की मदद से हम लोग इजीली परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं कि चेंजेस कितना हो रहा है, ठीक है ना। प्राइस का इम्पैक्ट कितना डिमांड के ऊपर हो रहा है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशो ऑफ परसेंटेज ओके। चलिए आगे देखते हैं टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट कितने टाइप के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो अब हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ऐसे टोटल तीन टाइप के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है स्टूडेंट। पहला जो है वो है इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। सेकंड क्रॉस इलास्टिसिटी एंड थर्ड प्राइस इलास्टिसिटी ओके। तो स्टूडेंट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी आगे जाके पांच टाइप के स्टूडेंट, ठीक है ना। कितने टाइप के आगे जाके पांच टाइप के प्राइस इलास्टिसिटी आपको देखने मिलेंगे। बट एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो बच्चे कई बार ये आंसर लिख के आ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, वो क्वेश्चन ठीक से रीड नहीं करते। तो जब आप एग्जाम में अपेयर करोगे तो मेक श्योर आप क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो और ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग ही अभी से दिमाग में बैठा दो, ठीक है ना। टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग है और टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अलग अलग है ओके। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स। इस स्लाइड में हम ये तीन पॉइंट कवर करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इलास्टिसिटी से, विच इज इनकम इलास्टिसिटी। इट रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन द इनकम ओनली, अदर फैक्टर इंक्लूडिंग प्राइस रिमेन अनचेंज। इट इज एक्सप्रेस हैज, ठीक है स्टूडेंट। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ई वाई इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम ओके। चलिए ये स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या स्टूडेंट, इनकम इलास्टिसिटी का मतलब डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है ना। डिमांड का रिस्पॉन्स कैसा होगा, ठीक है ना, डिमांड का रिस्पॉन्स कैसा होगा ऑफ अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। डिग्री ऑफ कितना रिस्पॉन्स किया किसने, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू टू मतलब स्टूडेंट डिवाइड चेंज इन इनकम। इनकम के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांड पे कितना असर गिरा उसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है ना। इनकम पे चेंज, इनकम के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे चेंजेस कितना आया उससे हम कहेंगे इनकम इफेक्ट। और इनकम इलास्टिसिटी के केस में बाकी जो फैक्टर्स है अदर फैक्टर्स प्राइस को इंक्लूड करके स्टूडेंट है वो क्या हो गए अनचेंज। तो प्राइस एंड अदर फैक्टर अदर देन इनकम, इनकम को छोड़ के जितने भी फैक्टर है और प्राइस है वो सब में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, वो सब में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसे हम प्रेजेंट कैसे करेंगे स्टूडेंट,
ई वाई, ई स्टैंड फॉर स्टूडेंट इलास्टिसिटी, वाई स्टैंड फॉर इनकम यहाँ पे, ठीक है ना। ई वाई इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। अभी इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट। परसेंटेज का तो साइन आप सभी को पता ही है कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चेंज के लिए हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे स्टूडेंट। क्या बनाएंगे चेंज के लिए? एक ट्राइंगल, जो ट्राइंगल है वो रिप्रेजेंट करेगा चेंज, ठीक है। क्वांटिटी के लिए हम क्यू लिखेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड डिमांडेड के लिए हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट? क्यू, ठीक। उसी तरीके से परसेंटेज का सिंबल, चेंज के लिए ट्राइंगल और इनकम के लिए वाई। ओके, चलिए इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। सिंबॉलिकली ई वाई इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। स्टूडेंट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या है वो हम समझते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। अगर आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी फाइंड आउट करना है तो आपको कुछ इस तरीके से नोट करना पड़ेगा, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितना हुआ और क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, ये डिवाइड का साइन था तो यहाँ पे मैंने डिवाइड का सिंबल लिख दिया। चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम में इनकम कितना चेंज हुआ, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट, जब ये नेक्स्ट स्टेप पे, ये जो पहला स्टेप है ये वाला, ये हम हैज इट इज नोट कर लेंगे, ठीक है। इसे हम हैज इट इज नोट कर लेंगे, फिर बाद में जब डिवाइड को मैं मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा स्टूडेंट। जब भी मैं डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में चेंज करूँगा तो उसके जो नेक्स्ट टर्म्स है स्टूडेंट वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। डिनोमिनेटर वुड बिकम न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर वुड बिकम डिनोमिनेटर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस एक्सप्रेशन को सिम्बॉलिकली लिखेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं कि इच टर्म यहाँ पे जो सिंबल मैंने यूज़ किया वो क्या रिप्रेजेंट करता है। वेयर ट्राइंगल रिप्रेजेंट चेंज, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया चेंज को, चेंज के लिए हम लोग ट्राइंगल सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यू ओरिजिनल डिमांड, क्यू जो है स्टूडेंट वो हमारा ओरिजिनल डिमांड रहेगा। वाई ओरिजिनल इनकम, ये जो वाई है हमारी वो क्या होगी, ओरिजिनल इनकम, ठीक है, चेंजेस के पहले वाली इनकम। नेक्स्ट ट्राइंगल क्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये क्या स्टूडेंट हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एंड लास्टली ट्राइंगल वाई चेंज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। ओके, चलिए यहाँ पे हमारा इनकम इलास्टिसिटी कंप्लीट होता है स्टूडेंट। वापस एक बार शॉर्ट में रिकैप करता हूँ, इनकम इलास्टिसिटी क्या है, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कितना चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, डिमांड, डिमांड कितना चेंज हो रहा है हमारे इनकम के चेंज होने की वजह से, उसको हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी। ओके, चलिए मूविंग फर्दर, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट स्टूडेंट डेट वी शुड नो, ठीक है। तो यू शुड नो, तो क्या हमें पता होना चाहिए, देखते स्टूडेंट। तो जो इनकम इलास्टिसिटी स्टूडेंट वो टोटल तीन टाइप के, कितने टाइप के, तीन टाइप के आपके इनकम इलास्टिसिटी है। तो सबसे पहला है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है। तो हम कब कहेंगे कि इनकम इलास्टिसिटी हमारा पॉजिटिव है, जब डेफिनेटली जब हमारा डिमांड बढ़ जाएगा स्टूडेंट। डिमांड क्या हो जाएगा, इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड बढ़ जाएगा, तब हम कहेंगे कि हमारा जो क्या बोलते हैं इनकम इलास्टिसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है। इनकम इलास्टिसिटी वो क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी हमें नॉर्मल गुड्स में देखने मिलती है स्टूडेंट। नॉर्मल गुड्स फॉर विच डिमांड इंक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। हमारे इनकम बढ़ने की वजह से नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हो जाता है स्टूडेंट, बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो टाइप है स्टूडेंट वो है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, हमारा इनकम बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाता है स्टूडेंट। इनकम बढ़ने की वजह से क्या होता है, किसी कमोडिटी का डिमांड कम हो जाता है, तब हम कहते हैं कि नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी अकर हुआ, ठीक है ना। इनकम इलास्टिसिटी कैसा है, नेगेटिव है। ओके, ये जो नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी की मैं जो मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, वो नॉर्मली इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स पे बिलोंग करती है, ठीक है। इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स गुड्स के लिए बिलोंग होता है। जब कभी भी कोई हमारे इनकम बढ़ने पे हम इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स ज़्यादा खरीदना प्रीफर नहीं करते, इनफैक्ट वी स्टॉप बाइंग दैट इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स और हम हायर क्वालिटी के गुड्स खरीदना प्रीफर करता है स्टूडेंट। ओके, इन्फीरियर और इन्फीरियर गुड्स फॉर विच द डिमांड डिक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। ओके, नेक्स्ट जो है स्टूडेंट वो है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। क्या है, जीरो इनकम इलास्टिसिटी। ओके, जीरो इनकम इलास्टिसिटी किसके लिए होता है, इसका मतलब क्या स्टूडेंट, सबसे पहला जीरो इनकम इलास्टिसिटी, इनकम बढ़ने के बावजूद भी हमारा किसी प्रोडक्ट का डिमांड नहीं बढ़ता है, उसको कहते हैं जीरो इनकम इलास्टिसिटी।
ये चीज़ें हमें नॉर्मली नेसेसरी गुड्स के ऊपर देखने मिलता है, ठीक है। जैसे कि मेडिसिन्स, इनकम बढ़ जाएगा तो हम लोग ज़्यादा मेडिसिन खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, जितना खरीदते थे उतने खरीदेंगे, करेक्ट। तो ये जो थर्ड टाइप का इनकम इलास्टिसिटी है वो है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। नेसेसरी गुड्स फॉर विच डिमांड रिमेन कॉन्स्टेंट विद इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। ओके स्टूडेंट, तो ये तीन टाइप के हमने इनकम इलास्टिसिटी देखे। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी जो नॉर्मल गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी जो इन्फीरियर गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, एंड जीरो इनकम इलास्टिसिटी जो नेसेसरी गुड्स के लिए एप्लीकेबल है। ओके, चलिए इनकम इलास्टिसिटी कंप्लीट। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप का इनकम सॉरी इलास्टिसिटी, विच इज क्रॉस इलास्टिसिटी। स्टूडेंट, वॉट इज क्रॉस इलास्टिसिटी, ये समझते हैं हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट। ओके, इट रिफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स। तो स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से, ठीक है ना, क्या कह रहा हूँ मैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या फिर सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से, ओके, जो हम कौन कमोडिटी डिमांड करें उसमें कितना चेंज आया है उसको हम कहेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी। ओके, तो जो प्रोडक्ट हम डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते, कार कार हमें बाय करना है, बट पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाने की वजह से, ठीक है ना, पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर मंथ में, ओके, कार का डिमांड क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। ओके, तो प्राइस बढ़ा किसी और कमोडिटी का, बट क्योंकि वो कनेक्टेड है, दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कार एंड पेट्रोल। ओके, तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के वजह से क्या हो गया, कार के डिमांड पे असर हुआ, इसको हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। टी के प्राइस के बढ़ने की वजह से इम्पैक्ट हुआ कॉफ़ी के डिमांड के ऊपर। ओके, तो टी का प्राइस बढ़ गया जिसकी वजह से कॉफ़ी की डिमांड के ऊपर क्या हुआ, उसका इम्पैक्ट गिरा, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी, ठीक है, एक कमोडिटी के डिमांड में चेंज होता है, क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। वो अनदर कमोडिटी कौन सी स्टूडेंट, आइदर इट कैन बी अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स। ओके, चलिए इसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे देखते हैं। इसे इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे ई है इलास्टिसिटी के लिए, सी स्टैंड फॉर क्रॉस, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए। एक ही क्वांटिटी में चेंजेस हो रहे हैं, इम्पैक्ट गिर रहा है, ठीक है ना, ए का जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो प्राइस है प्रोडक्ट बी का, प्रोडक्ट बी बी के प्राइस के चेंज होने की वजह से उसका इम्पैक्ट क्वांटिटी ए पे हो रहा है, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी, सॉरी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, जहाँ पे ए जो है स्टूडेंट, ए क्या मेरा ओरिजिनल क्वांटिटी जो हम नॉर्मली डिमांड करते हैं, ठीक है, बी क्या मेरा, यहाँ पे बी मेरा अदर कमोडिटी है। ओके, चलिए देखते हैं, वेयर ए इक्वल टू ओरिजिनल कमोडिटी एंड बी इक्वल टू अदर कमोडिटी। ओके, आगे इसे इसी चीज़ को हम स्टूडेंट सिंबॉलिक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिकली। इसे इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बी। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ ए अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ बी को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, चेंज इन प्राइस ऑफ बी अपॉन ओरिजिनल प्राइस ऑफ बी। ओके, फिर इसी को हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो पहला वाला जो है टर्म वो एज इट इज अपीयर होगा। ओके, पहला वाला टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे, डिवाइड की जगह पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन डालेंगे, और जब भी हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट तो जो डिवाइड के बाद वाला जो टर्म होता है वो अपना वो क्या होता है स्टूडेंट, इन्वर्टेंट हो जाता है, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है, न्यूमरेटर नीचे आ जाता है, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर ऊपर आ गया, न्यूमरेटर नीचे आ गया, ये कब होता है, जब हम डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन डालते हैं स्टूडेंट। ओके, तो आपको सिंबॉलिकली कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करना है स्टूडेंट। चलिए मूविंग फर्दर, जहाँ पे क्यू ए क्या मेरा ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी ए,
ये जो स्टूडेंट क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी जो मैं डिमांड कर रहा था, ठीक है। चेंज इन क्यू ए, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए, कितना चेंज हुआ ठीक है डिमांड में, वो उसको हम ऊपर लिखेंगे। ओके नेक्स्ट पी बी, ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, और नेक्स्ट चेंज इन पी बी, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी। ओके दैट्स इट स्टूडेंट। तो ये था हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट गुड या सब्सटीट्यूट गुड्स होने के वजह से दूसरे कमोडिटी पे, ठीक है, उससे कनेक्टेड कमोडिटी पे जो इम्पैक्ट गिरता है उस इम्पैक्ट को बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। ओके ठीक है, मूविंग फर्दर, प्राइस इलास्टिसिटी, थर्ड प्राइस इलास्टिसिटी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस। ओके तो प्राइस के चेंज होने की वजह से कमोडिटी जितना चेंज होगा उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसे हम कैसे प्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, ई डी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी के लिए स्टूडेंट हम जो सिंबल यूज करेंगे वो डी यूज करेंगे, ठीक है ना। इनकम के लिए वाई, क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए सी, और प्राइस के लिए डी। ओके तो हमने लिखा यहाँ पे ई डी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओके इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। सिंबॉलिकली हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, ई डी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या स्टूडेंट, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या स्टूडेंट, चेंज इन प्राइस अपॉन पी। दोनों भी डिवाइड हुए तो बिना बीच में डिवाइड का साइन डाल दिया। फिर बाद में हम पहला जो टर्म है उसे एज इट इज लिखेंगे, नेक्स्ट डिवाइड की जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, और जब भी हम ऐसा करते हैं स्टूडेंट तो नेक्स्ट जो टर्म होता है डिवाइड साइन के बाद में वो क्या हो जाता है, इन्वर्टेंट हो जाता है। इन्वर्टेंट मतलब डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट चलिए अभी यहाँ पे क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो हम एक बार शॉर्ट में बता देते फटाफट। क्यू स्टैंड फॉर ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, ओके ट्राइंगल डी, चेंज डिफरेंस बिटवीन द न्यू क्वांटिटी एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड विच इज़ नथिंग बट चेंज इन क्वांटिटी। ओके नेक्स्ट पी, ओरिजिनल प्राइस, ओके चेंज इन प्राइस दैट इज डिफरेंस बिटवीन द न्यू प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस। ओके स्टूडेंट तो ये था हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो टोटल हमने तीन टाइप के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखे। पहला फटाफट रिकैप कर लेते, पहला कौन सा गैस कीजिए, इनकम इलास्टिसिटी, करेक्ट, कौन सा, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके तो इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड पे कितना असर होगा उसे हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड स्टूडेंट कितने टाइप के, तीन टाइप के, करेक्ट, कौन कौन से, पहला पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी जो हमें नॉर्मल गुड्स के लिए देखने मिलता है, नेक्स्ट है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी जो हमें इंफीरियर गुड्स के लिए देखने मिलता है, एंड नेक्स्ट है जीरो इनकम इलास्टिसिटी जो नेसेसरी गुड्स के ऊपर हमें देखने मिलता है। नेक्स्ट हमने देखा क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से, और क्या बोलते हैं दूसरे कमोडिटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट गिरता है उसे हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके एंड लास्टली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस के चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांड पे असर गिरता है स्टूडेंट उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके इनकम इलास्टिसिटी के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं स्टूडेंट, ई वाई, करेक्ट, क्रॉस इलास्टिसिटी के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ई सी, एंड लास्टली प्राइस इलास्टिसिटी के लिए हम लोग सिंबल करेंगे यूज ई डी। ओके स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके स्टूडेंट थैंक यू।